दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। पिछले कई दिनों से आ रही खबरों के मुताबिक देश में फिर से टिड्डियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको चलते किसानों में फिर से खौफ बैठ गया है। टिड्डियों के हमलों से किसानों में बढ़ती चिंता को देखते हुए हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बीते गुरुवार को कहा कि देश के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में फसलों पर टिड्डियों के प्रकोप से किसानों को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टिड्डियों की सीमा पर दस्तक देते ही उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। टिड्डियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 से 4 दिन पहले ही टिड्डियों ने जैसलमेर सीमा पर प्रवेश किया है, जिसको देखते हुए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ उपलब्ध संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके टिड्डियों को नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं, तो वहीं इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार पंजाब के सीएम ने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो आने वाले खरीफ सीजन में धान का MSP बढ़ाकर 2,902 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करें। इसके अलावा खेतों में पराली और बचे अवशेषों को जलने से रोकने के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन के तौर पर राशि दी जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2019-20 के लिए कॉमन वेराइटी के धान की कीमत 1,815 रुपये और ग्रेड ए धान का MSP 1,835 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था, जिसे पंजाब सरकार अब बढ़ाने की मांग कर रही है। लॉकडाउन में पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रहे किसानों और व्यापारियों की दिक्कतें अब और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। दरअसल राजस्थान में कृषि जींसों की खरीद बिक्री पर लगे 2% कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में वहां के जींस व्यापारी बीते गुरुवार से 5 दिनों की हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से राज्य की 247 कृषि उपज मंडियां 10 मई तक बंद रहने वाली हैं। आपको बता दें कि बीते बुधवार को ही राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष में पैसा जुटाने के लिए राज्य की मंडियों में कृषि जींसों की खरीद बिक्री पर 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसके बारे में प्रमुख शासन सचिव का कहना है कि पूरी राशि का इस्तेमाल किसानों के लिए ही किया जाएगा, जबकि व्यापारियों का कहना है कि इस तरह के शुल्क से जहां कर चोरी को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं इसका खामियाजा उपभोक्ता को ही भुगतना होगा। इस बीच भाजपा किसान मोर्चा ने शुल्क के विरोध में बीते शुक्रवार को शुल्क आदेश को वापस लेने और किसानों के बिजली बिल को माफ करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी को सौंपा है। तो दोस्तों, आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।